ओके, सो MySQL स्टार्ट करते हैं। MySQL देखें, हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो डेटा के बारे में हमें डिस्कस पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है। और फिर डेटा को जब रॉ एंड फैक्ट्स फिगर्स को प्रोसेस किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से पहले सिस्टम्स जो होते थे, पहले हमारे पास फाइल सिस्टम्स होते थे, जिनके अंदर डेटा को स्ट्रक्चर करना, सेव करना और सारी चीज़ें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर अरेंज करते हैं, टेबल्स में और रोज में, ठीक है। टेबल्स और कॉलम्स और रोज के अंदर अरेंज करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और MySQL क्या है, हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो हम वेबसाइट बनाते हैं और जो हम डेटाबेस बनाते हैं, वो कौन सी है, रिलेशनल डेटाबेस यानी RDBMS है। ये क्या है, पूरा पूरा MySQL कौन सा है, RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर RDBMS का मतलब ये रिलेशनल, वैसे पहले तो थे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिनके अंदर कोई रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। देन हमारे पास आए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि हम आपस में टेबल्स को ज्वाइन कर सकें, रिलेट कर सकें, कम्युनिकेट करा सकें। तो फिर हमारे पास नीड आई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की। तो हमारे पास जो MySQL है, वो भी क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पर आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं, व्हाट इज MySQL। MySQL इज अ डेटाबेस सिस्टम जिसके थ्रू, जिसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। इसको हम जावा में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम PHP के साथ भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस डेटाबेस को हम यूज कर सकते हैं। MySQL बोथ आपके पास स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, और ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, फास्ट है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है और इसको ईजी टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। MySQL सपोर्ट करता है SQL को, जो कि आपके पास है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यानी जो आप MySQL के अंदर डेटा लिखेंगे, क्यूरीज वगैरह लिखेंगे, वो कौन सी लैंग्वेज है, वो आपके पास SQL है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। MySQL फ्री टू डाउनलोड है, यानी आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं जाके और इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपके पास डेवलप की थी माइकल विटनेस ने और डेविड एक्समैक ने इन इन 1994 में, ठीक है। MySQL प्रेजेंटली डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय ऑरिकल कॉर्पोरेशन। और ये करेंटली जो है वो डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट या सपोर्ट किसके थ्रू की जाती है, ऑरिकल कॉर्पोरेशन के। और MySQL को किस में रिटेन किया गया है, सी और सी प्लस प्लस में इसको राइट किया गया है। सो ये तो बेसिकली बिल्कुल आपके पास जो है ना जनरल ओवरव्यू है इसका, कि MySQL है क्या, ठीक है। अब आते हैं कि MySQL को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड हम यहाँ पर आके लिखेंगे MySQL डाउनलोड, और यहाँ पे आके MySQL इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। और MySQL इंस्टॉलर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप MSI इंस्टॉलर जो है ना, ये देखें दो आ रहे हैं, एक 2.4 MB का आ रहा है और एक आपके पास 422 MB का आ रहा है, ठीक है। आपने अगर ऑफलाइन इंस्टॉलर करना है, ठीक है, ये आपके पास ऑनलाइन इंस्टॉलर है, ठीक है, यानी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होगा फिर पैकेज, ठीक है। और ये आपका ऑफलाइन है तो आप इसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। सो मैंने उसको क्लिक किया है, अभी ये मेरे पास जो आपके पास है ना, ये सेटअप आपके पास आ चुका है। अब मेरे पास, फिर भी मैं आपको इसका सेटअप समझा देता हूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि सेटअप आपको कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए आ गया। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये किस इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, अभी आपके पास ऑरिकल सपोर्ट कर रहा है, तो लास्ट में आपके पास ऑरिकल का भी निशान आ रहा था, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मुझे दे रहा है अपग्रेड, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे, डिफरेंट आपके पास क्या आ रहे होंगे, पैकेजेस आ रहे होंगे, आप उन सबको इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये तकरीबन सारे ऑप्शंस इस वजह से नहीं दिखा रहा कि मेरे पास ऑलरेडी MySQL जो है वो क्या है, MySQL वर्कबेंच का। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर
तो है एक और सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास SQL योग। कौन सा है? SQL योग। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस का काम कर सकते हैं। देखें ठीक है, सो जब आप इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलर को तो आपके पास वर्क बेंच इंस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क बेंच इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास इन केस वर्क बेंच इंस्टॉल नहीं होता इसके साथ, तो आप सेपरेटली भी जाकर वर्क बेंच को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप जाएंगे और यहाँ पर जाके आप बोलते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच, ठीक है, तो आप सेपरेटली भी जाकर वर्क बेंच को यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो वंस आपने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो आते हैं कुछ फीचर्स की तरफ। ये इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं कि माई एसक्यूएल सर्वर डिजाइन इज मल्टी लेयर्ड, ठीक है, इज फुली मल्टी थ्रेडेड बाई यूजिंग कर्नल थ्रेड्स, इट कैन हैंडल मल्टीपल सीपीयूज इफ दे आर अवेलेबल। आपके पास MySQL आपको ट्रांजेक्शनल और नॉन ट्रांजेक्शनल स्टोरेज इंजन प्रोवाइड करता है। इसमें हाई स्पीड थ्रेड बेस्ड मेमोरी लाइक एलोकेशन सिस्टम है, ठीक है, हीप टेबल की सपोर्ट है, लार्ज डेटाबेसेस की सपोर्ट है, हैंडल कर सकता है MySQL। MySQL सर्वर वर्क्स इन क्लाइंट सर्वर और एम्बेडेड सिस्टम। आपके पास यहाँ पर है, ये किस पे वर्क करता है? एम्बेडेड सिस्टम के अंदर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में वर्क करता है। MySQL वर्क्स ऑन मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और MySQL आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल है, यानी आप लिनिक्स पे भी इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नाउ कम्स दी मेन थिंग, हमारे पास ये जो हमारी SQL है, जो कि आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज डिवाइडेड इन टू थ्री और फोर मेन लैंग्वेजेस, यानी सब लैंग्वेजेस में डिवाइड होती है, जिनमें से पहली लैंग्वेज जो है वो आपके पास है DDL। क्या है? DDL। सो वॉट इज DDL? DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच डील विद डेटाबेस स्कीमास एंड डिस्क्रिप्शन, हाउ द डेटा शुड बी स्टोर इन दी डेटाबेस। बेसिकली जब आपको अपने डेटाबेस में स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो स्कीमास बनाने, उसके लिए आप DDL स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? DDL स्टेटमेंट्स को। और कुछ DDL स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहली है क्रिएट, देन ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट एंड रीनेम। दीज आर सम ऑफ दी यू कैन से कमांड्स डेट आर इन DDL, ठीक है। DDL लैंग्वेज के अंदर आपके पास ये कमांड्स हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है। और किस लिए काम आती है ये? आपके पास स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है DML। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज, विच डील्स विद डेटा मैन्युपुलेशंस। तो डेटा मैन्युपुलेशन का मतलब क्या है? डेटा मैन्युपुलेशन का मतलब ये है कि आपके पास कि ये जो लैंग्वेज है, यानी आपके पास DML है, इसके अंदर आप जो डेटा एंटर करवाएंगे या डेटा आपके पास जो मौजूद होगी वो कैसे मैन्युपुलेट होगी, वो डेटा कैसे आएगी, कैसे वो डिलीट होगी, कैसे वो अपडेट होगी, ये सारी चीजें हम किसके अंदर करते हैं? DML में करते हैं। किसमें? DML में। और DML की कुछ कमांड यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें से सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन, प्लेन, लॉग टेबल। दीज आर सम ऑफ दी यू कैन से कि कमांड्स और क्यूरीज डेट वी आर गोइंग टू यूज इन दी DML, ठीक है। तो जब DML लैंग्वेज पे आप काम करते हैं तो आप इसको यूज करते हैं। कौन कौन सी कमांड्स को? इन सब को, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को। देन वी हैव DCL कमांड्स। सो DCL इज स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, विच इंक्लूड सच एज कमांड सच एज ग्रांट एंड मोस्टली कंसर्न विद द राइट्स, परमिशन एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस। यानी जब आप अपनी डेटाबेस के अंदर राइट्स और जो है वो परमिशंस और इन पे कंट्रोल्स पे चेक लगाना चाहते हैं, यानी विच यूजर हैव द राइट्स फॉर विच डेटाबेस, विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद 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 विच टेबल एंड रोज। सो ये चीजें आप सिलेक्ट करते हैं, ये सेट करते हैं किसके अंदर? DCL की मदद से, ठीक है। यानी मैंने कहा कि वी कैन से कि अरसलान हैव द राइट्स ऑफ एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। सो अब अरसलान के पास क्या हो गए? इस पर्टिकुलर डेटाबेस के क्या हो गए? राइट्स हो गए।
इसके अलावा अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं और रिवोक कर सकते हैं। जैसे कि किसी से राइट्स लेने हैं वापसी तो हम क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे, और अगर किसी को हमें राइट्स दिलवाने हैं, देने हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, ग्रांट की कमांड को यूज करते हैं। और ये किस कैटेगरी में आती है, ये डीसीएल में आती है। किसके अंडर में आती है, डीसीएल में। देन वी हैव टीसीएल, ठीक है। TCL stand for Transaction Control Language. It deals with the transaction within a database. Sometimes हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि हमें एक साथ मल्टीपल कमांड्स को, मल्टीपल जो है ना क्यूरीज को रन करना होता है, तो उसके लिए हम ट्रांजेक्शन्स कंट्रोल लैंग्वेज को यूज करते हैं। और उसके अंदर हमारे पास कमांड होती है कमिट, रोल बैक, सेफ पॉइंट और सेट ट्रांजेक्शन। So, ये हमारे पास क्या है, ये कुछ हमारे पास क्या है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट आपके पास क्यूरीज हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जो कि हम TCL के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, कमिट और ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है जनरली कि अगर आपके पास दो तीन चार स्टेटमेंट्स हैं, अगर कोई एक भी आपके पास क्या हो जाती है, मसला करती है, एरर करती है, तो हम तमाम को रन नहीं करना चाहते। अगर कोई भी मसला नहीं करते तो हम कमिट कर देते हैं, और अगर कोई एक भी मसला करती है, एरर देती है, तो हम क्या कर देते हैं, रोल बैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रोल बैक। रोल बैक से क्या होता है कि जो आपके पास इंसर्शन हुई होती है वो भी आपके पास रोल बैक हो जाती है, खत्म हो जाती है। ATMs के अंदर जैसे होता है ना, ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, रोल बैक हो जाती है। एक अमाउंट, एक टाइम के बाद, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, रोल बैक हो जाती है। तो ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है ट्रांजेक्शन और आपके पास ट्रांजेक्शंस का, और इसके अंदर ये कमांड्स यूज होती है, कमिट, रोल बैक। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटाबेस। क्या है, डेटाबेस, एंड इट इज अ आपके पास कलेक्शन ऑफ टेबल्स। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। अब टेबल्स को हम क्या कहते हैं, टेबल्स को हम रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन भी कहते हैं। इसके बाद टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, कॉलम्स एंड रोज। क्या होती है, कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स को हम, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कॉलम एज एन, एंड रो इज बेसिकली टपल और रिकॉर्ड। सो मकसद ये, इसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग में हम जो है ना इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ये देखें, हमारे पास टेबल क्या था, टेबल हमारे पास कलेक्शन क्या थी, देखें यहाँ से जैसे थी, तो टेबल को हमने क्या कहा कि टेबल इज अ कलेक्शन। टेबल हमारे पास क्या है, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल। और टेबल को हम क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हम रिलेशन कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स को हम क्या क्या कह सकते हैं, हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फील्ड। तो कहीं आप पढ़ते हैं कि फील्ड या एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, कि हम बोल रहे हैं कॉलम्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास होती है रोज, ठीक है। और रोज के हम कहते हैं या तो, इन अदर वर्ड्स रिकॉर्ड्स, इट मीन्स रिकॉर्ड्स, और हम इसको कहते हैं टपल। क्या कहते हैं, टपल, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो एसोसिएट होते हैं इससे, ठीक है। अब आते हैं कि डेटाबेस में, हम अभी तक हमने देखा भाई हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस बनाएंगे, पर डेटाबेस बनाना क्यों जरूरी है, और डेटाबेस बनती क्यों है, और डेटाबेस बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, के हमें तो जब भी डेटाबेस पे काम करना है तो पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, डेटाबेस। जब डेटाबेस बना लेंगे तो डेटाबेस के अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड होंगे, टेबल्स, क्योंकि डेटाबेस किसकी कलेक्शन है, टेबल्स की है, ठीक है। तो फिर हमें क्या चाहिए होंगे, टेबल्स या रिलेशन चाहिए होंगे। फिर उन रिलेशन के अंदर क्या होंगे, कॉलम्स या आपके पास रोज होंगी। कॉलम्स डिफाइन करेंगी व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर, व्हाट फील्ड्स यू वांट टू रिक्वायर, एंड रोज विल डिफाइन द एक्चुअल डेटा। रोज क्या डिफाइन करेंगी, एक्चुअल डेटा डिफाइन करेंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ एक टेबल की एग्जाम्पल। सो देखें, दिस विल बी ये लाइंस, ठीक है। मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, ठीक है। सो नाउ दिस फर्स्ट इज दी वन कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दी
fourth column, and this will represent rows. This will represent rows. Row number 1, row number 2, row number 3. Let's say first ये कॉलम्स है ना, कि हर कॉलम से रो, ये पहली वाली जो फील्ड होती है हेडर होता है, इसके अंदर आप कॉलम्स डिफाइन करेंगे. कॉलम्स डिफाइन करेंगे तो उसके अगेंस्ट में डेटा आता है. उसके अगेंस्ट में क्या आएगा? डेटा आएगा. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हम स्टूडेंट की आईडी स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ हम नेम स्टोर करना चाहते हैं, और यहाँ पर सिटी, और यहाँ पर एज. क्या स्टोर करना चाह रहे हैं? एज. तो जब डेटा आएगी, जैसे आईडी नंबर 1 एस असद नाम हो गया, यहाँ पर सिटी का नाम हैदराबाद हो गया, और एज हो गई 25. सो ऑन, इसी तरीके से आपका डेटा जो है वो आता जाएगा रोज के अंदर. तो कॉलम डिफाइन क्या कर रही है? व्हाट टाइप ऑफ डेटा शुड बी प्रेजेंट इन दिस रो, एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर प्रेजेंट इन दिस कॉलम एंड दिस कॉलम. ठीक है, एक पूरा रिकॉर्ड आपके पास बनाता है रो को. ठीक है, यानी एक रो को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इट मींस वी आर सिलेक्टिंग अ सिंगल रिकॉर्ड. ठीक है, हम एक रिकॉर्ड को उठाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? हर कॉलम का डेटा मौजूद होगा. हर कॉलम का क्या मौजूद होगा? डेटा मौजूद होगा. अब आते हैं कि जब हमारे पास हम एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसके अंदर हमें टेबल्स बनाने होते हैं ना, तो टेबल्स कैसे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से टेबल्स चाहिए? लेट्स से कि हमारे पास, हम इस तरह से करना चाहते हैं कि हम टेबल्स का डेटा रखना चाह रहे हैं, बट टेबल्स आएंगे कैसे? जैसे कि इफ़ वी आर मेकिंग अ एजुकेशन सिस्टम, ओके, और यू कैन से कि अगर हम एक क्विज एप्लीकेशन बना रहे हैं. कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं? क्विज की एप्लीकेशन बना रहे हैं. सो व्हाट यू थिंक के उसमें कौन कौन सा डेटा आना चाहिए? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डेटा वी नीड? वी नीड क्वेश्चंस. क्विज के अंदर सबसे पहली चीज क्या चाहिए? क्वेश्चंस चाहिए. अच्छा भाई, क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, बट क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, तो फिर वी नीड सब्जेक्ट्स. वी नीड सब्जेक्ट्स, हमें सब्जेक्ट्स भी चाहिए, हमें क्वेश्चंस भी चाहिए. यानी एक टेबल होगा जिसमें सब्जेक्ट्स होंगे, एक टेबल होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, एक टेबल होगा जिसमें क्या होंगे? आंसर्स होंगे. सही है ना? देखें, क्विज है ना, क्विज के भाई सवाल होगा, सवाल का आंसर भी तो होगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो कोई भी क्विज है, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, तो ये भी तो पता होना चाहिए भाई वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है. ठीक है, फिर हमारे पास सवाल यहाँ पे अराइज होता है कि ये जो क्विज है अटेम्प्ट कौन करेगा? स्टूडेंट या आपका जो भी जो बंदा है, जो कस्टमर है, या क्विज आपका स्टूडेंट है. तो इस केस के अंदर जो हमारा कस्टमर है वो कौन है? स्टूडेंट है. तो एक टेबल हमारे पास कौन सा होना चाहिए? स्टूडेंट का होना चाहिए. ठीक है, और फिर हमारे पास एक टेबल होना चाहिए रिजल्ट का, कि भाई उसने रिजल्ट, उसने क्विज अटेम्प्ट किया तो उसके बाद उसका ये रिजल्ट आया. सो अब आप देख रहे हैं कि हमने नेचर ऑफ एप्लीकेशन पे हमने इसके अंदर से क्या निकाले? एंटिटीज निकाले. क्या निकाले? एंटिटीज. टेबल्स को हम एंटिटीज भी कहते हैं. ठीक है, एंटिटीज कैन बी फिजिकल और लॉजिकल. एंटिटीज क्या हो सकती है? फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है. क्या क्वेश्चंस हमारे पास फिजिकली मौजूद होते हैं? फिजिकली है, आप छू सकते हो क्वेश्चंस को. लॉजिकल है, बट स्टूडेंट इज ऑल आपके पास क्या है? फिजिकल है. और इसी तरीके से रिजल्ट क्या है? लॉजिकल. तो हमारे जो टेबल हो सकते हैं वो लॉजिकल भी हो सकते हैं और वो फिजिकल भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आपके क्विज ऐप के अंदर क्या क्या होना चाहिए था? स्टूडेंट का डेटा, क्विज का आपके पास क्वेश्चंस का डेटा, सब्जेक्ट का डेटा, और दूसरा आपके पास लास्ट में रिजल्ट का डेटा. चलें, अब मुझे बताएं, अगर हम एक ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जावा की, जिसके अंदर हमें क्या करना है? एक ई मार्ट, जो हमारे पास स्टोर्स होते हैं उनका डेटा रखना है. स्टोर्स चल रहे हैं ना, जहाँ पर हम शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग मार्ट्स हैं, उनका हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है. तो उसके अंदर आप क्या क्या एंटिटीज रखना पसंद करेंगे? सही है, नहीं, क्वांटिटी उसका एट्रीब्यूट है. मैंने कहीं भी स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट नेम बोला, वो टेबल थोड़ी है. वो तो आपके पास क्या है? एक टेबल आया, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं. क्या है? प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं. सो मैं आपको यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस और टेबल वी कैन हैव इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. फर्स्ट इज द प्रोडक्ट,
देखिए प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट की प्राइस तो होगी होगी, क्वांटिटी भी उसकी होगी होगी, तो टेबल अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट कस्टमर, भाई प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, कस्टमर या बायर। इसके अलावा ऑर्डर, ऑर्डर होगा ना, तो ऑर्डर की डिटेल होती है ना, पर्ची रिसिप्ट पे आती है तो उसमें डिटेल होती है ना। हर कस्टमर नया ऑर्डर करता है आगे, उसकी नई रिसिप्ट बनती है, तो उसकी डिटेल तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए सेपरेट टेबल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और क्या हो गया, कस्टमर हो गया, और क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, जो भी प्रोडक्ट होता है कैटेगरी भी तो होती है उस प्रोडक्ट की, कि वो आपके पास क्या कहते हैं फ्रोजन आइटम है, क्या वो आपके पास हाउस जो है हाउस हेल्ड है, या कोई आपके पास जो है ना राइस है, क्या है वो, क्या है खाने की चीज है, या वो आपके पास जो है वो जो है कोई और चीज है, सब्जी है, क्या है। तो आपके पास कैटेगरी भी होगी प्रोडक्ट की, क्या होगी, तो कितने टेबल हो गए, कैटेगरी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, कस्टमर, बायर, और एक अगर एक जगह पे कोई काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय भी तो है, तो एम्प्लॉय भी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। सो समझ रहे हैं कि हम टेबल्स किस किस चीज के बनाएंगे, हमारी एप्लीकेशन जो हम बनाने लगेंगे, जो बिल्ड करने लगेंगे, उस हिसाब से हम सोचेंगे और उस हिसाब से ही हम टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितने टेबल्स रिक्वायर्ड हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसके अंदर जो सबसे पहली कमांड हम यूज करेंगे वो है क्रिएट। कौन सी कमांड है, क्रिएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट, जब भी हमें कोई डेटाबेस बनानी है, कोई टेबल बनाना है, कोई व्यू बनाना है, जो भी चीज़ हमें बनानी है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास जो कमांड यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट के बाद आप बताते हैं कि क्या क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल, डेटाबेस, इंडेक्स, व्यू, क्या चीज़ आप बनाना चाहते हैं। तो सिंपल और सिंपल कमांड क्या है, क्रिएट। तो अभी इसको लिखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, कि हम यहाँ से जाएंगे और MySQL वर्कबेंच को ओपन करेंगे, और MySQL वर्कबेंच के अंदर जाकर हम क्या लिखेंगे, कुछ क्यूरीज लिखेंगे वन बाय वन। ये होते हैं कनेक्शंस, क्या आ रहे हैं कनेक्शन, आपके पास अगर नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्लस करके कनेक्शन बना लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से इस कनेक्शन को रन करेंगे और इस कनेक्शन के अंदर अपनी कमांड्स वगैरह जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहली कमांड होती है क्रिएट, उसके बाद हम बनाते हैं सबसे पहले डेटाबेस। क्या बनाते हैं, डेटाबेस, हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम जो भी नाम यहाँ पर देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम देते हैं डेमो, ठीक है, और डेमो के नाम से हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही डेटाबेस बनी हुई है, तो मैं इसको दे देता हूँ डेमो, ऐसे कर देते हैं MySQL underscore demo। तो हमने डेटाबेस का नाम क्या रख लिया, MySQL underscore demo। जब भी आप कोई क्यूरी रन करेंगे तो उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर रन का बटन भी मिल जाता है आपको, या फिर आपके पास शॉर्टकट की होती है, ठीक है। जैसे यह क्यूरी का टैब आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, या फिर आप इसको रन कर देंगे तो आपके पास क्यूरी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, और जो भी क्यूरी आप रन करेंगे नीचे आउटपुट विंडो के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है, वन रो अफेक्टेड, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने जो डेटाबेस क्रिएट की है वो बिल्कुल एक्यूरेट डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज के आपने जब डेटाबेस बना ली तो डेटाबेस को यूज करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप लिखते हैं डेटाबेस को यूज करना है, कि किस डेटाबेस में हम काम करेंगे। अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखें तो राइट साइड के अंदर मेरे पास डिफरेंट डेटाबेस जो आज तक मैंने बनाई है वो सबकी सब आ रही है, देखें आ रही है, और यहाँ पे जावा डेमो भी आ चुकी है। तो यानी एक हमने अभी जो बनाई है वो भी यहाँ पर आ गई है, और इससे पहले जितनी डेटाबेसेस मैंने बनाई है इस कनेक्शन के अगेंस्ट में वो सारी की सारी यहाँ पर मुझे शो हो रही है। तो नाउ अगला स्टेप होता है कि हम यहाँ पर लिखते हैं यूज, ठीक है, और यूज लिखकर हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम देते हैं, तो डेटाबेस का नाम है MySQL underscore demo। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि आप SQL के अंदर MySQL में जब काम करते हैं तो इट इज नॉट केस केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है,
यानी आप अपर केस में लिखें लोअर केस में लिखें तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप कंट्रोल शिफ्ट जो भी आपने अभी देखिए, मैं डेटाबेस तो बना चुका हूँ ना, तो अब डेटाबेस वाली क्यूरी तो मुझे रन नहीं करनी है, मुझे ये नीचे वाली क्यूरी रन करनी है। तो मैं कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो मेरी क्यूरी रन हो गई, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ आ गया यूज माई एसक्यूएल डेमो, तो अब ये बता रहा है कि आपने ये वाली डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। तो हमने अभी फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने डेटाबेस बनाई और डेटाबेस को यूज किया, यानी उस डेटाबेस को हम क्या करना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो अगला स्टेप आता है कि हमें अब टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल बनाना है। बट टेबल बनाने से पहले जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर हमें बतानी होती है कॉलम्स या फील्ड, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई कॉलम या फील्ड बनाते हैं तो उसके साथ हमें उसकी डेटा टाइप बतानी होती है। जैसे कि हम किसी लैंग्वेज में काम करते हैं, जावा में, पीएचपी में, तो हम जब भी कोई वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं तो हम उसकी डेटा टाइप मेंशन करते हैं ना, कि ये डेटा टाइप है या इसकी ये डेटा टाइप है। तो इसी तरीके से जब हम एसक्यूएल माईएसक्यूएल में काम करते हैं और टेबल्स बनाते हैं तो टेबल्स बनाते वक्त हम उसकी डेटा टाइप बताते हैं। तो माईएसक्यूएल के अंदर जो है ना डिफरेंट डेटा टाइप्स आती हैं, उनको तीन कैटेगरीज के अंदर तोड़ा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है न्यूमेरिक, सो दीज आर दी सम ऑफ दी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल इन दी MySQL: इंटीजर, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल। तो देखिए, अगर आपको इस रेंज तक की वैल्यू अगर स्टोर करनी है जो कि यहाँ पर मेंशन है, तो आप इंटीजर को यूज करते हैं। और अगर आपकी रेंज ये है कि आपको सिर्फ 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक आपको सिर्फ कोड स्टोर करना है और आपने कहा जो मेरे पास कोड आएंगे वो जो है ना इसी रेंज के अंदर आएंगे, तो हम उसकी डेटा टाइप क्या रख देते हैं, टाइनी इंट रख देते हैं। क्या रख देते हैं? टाइनी इंट। ये क्यों रखते हैं? क्योंकि देखें, हर चीज जो भी आप डेटा टाइप बनाते हैं वो जा कोई ना कोई बाइट्स लेती है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसी डेटा टाइप रख लेते हैं तो आप डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका काम टाइनी इंट में हो सकता है और आप उसकी जगह इंटीजर यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप बिला फजा जो है ना बिला वजह का स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको नीड ही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से जो डेटाबेस आपको, जो डेटा टाइप आपको रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत है, आप वही डेटा टाइप जो है वहां पर अकॉर्डिंग टू दी फील्ड यूज करेंगे। स्मॉल इंट यूज कर सकते हैं जब आपके पास ये रेंज हो, मीडियम इंट आपके पास यहाँ तक की रेंज है, और बिग इंट बहुत ज्यादा इंटीजर बड़ी वैल्यू है तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, बिग इंट। इसके बाद आपके पास आता है फ्लोट। अगर आप यहाँ डेसिमल पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आपको रखनी है तो आप फ्लोट यूज करते हैं। डबल भी आपके पास जो है इसी तरीके का बिहेवियर देता है, बट उसके अंदर रेंज बढ़ जाती है और उसमें जो प्रोसीजर पॉइंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। डेसिमल एंड अनपेक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेट कैन नॉट बी अनसाइंड, इन द अनपेक डेसिमल ई डेसिमल कॉरेस्पॉन्ड टू 1 byte, ठीक है। यानी आप इसके अंदर डेसिमल के अंदर क्या कर सकते हैं, डेसिमल के अंदर जो है आप अनसाइंड वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड सेट ऑफ टाइप्स जो डेटा टाइप्स आती है वो है डेट टाइम डेटा टाइप्स। अगर हमें डेट टाइम के साथ काम करना है, यानी हमें कोई डेट स्टोर करनी है, ठीक है, या टाइम स्टोर करना है, तो हमारे पास डेट टाइम्स मिलती हैं, डेट और टाइम, ये भी डेटा टाइप है। जैसे कि मुझे एक टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर मुझे एक बताना है कि कब वो यूज़र क्रिएट हुआ या उस यूज़र ने कब मेरी वेबसाइट को या मेरी एप्लीकेशन को ज्वाइन किया, तो हम लाजमी बात है उसकी डेट स्टोर करेंगे ना, कि जिस डेट पे और किस टाइम पे इसने मेरी एप्लीकेशन को विजिट किया। जैसे अगर हम किसी बैंक की वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो हमारी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं कि हमने इस टाइम पे ये काम किया, इस टाइम पे ये काम किया, तो वो जो डेटा रख रहे हैं उस डेटा रखने के लिए जो डेटा टाइप यूज होती है वो क्या है, डेट टाइम की डेटा टाइप होती है। अगर आपको सिर्फ डेट स्टोर करनी है तो आप डेट डेटा टाइप यूज करेंगे, अगर आपको डेट एंड टाइम स्टोर करना है तो आप डेट एंड टाइम वाली डेटा टाइप यूज करेंगे, अगर आप जो है वो जो है ना डेट टाइम और इस फॉर्मेट के अंदर स्टोर करना चाहते हैं इस तरह के फॉर्मेट में, ये देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आप ये वाला यूज करेंगे ना डेट टाइम, तो आपके पास फॉर्मेट ये वाला होता है, ठीक है। और अगर आपके पास डेट टाइम स्टैम्प यूज करते हैं तो आपके पास इसके अंदर कोई स्पेसिस यानी वो जो डैश आ रहा होता है वो नहीं आता, पूरी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर 1973 के बाद स्पेस ने वो आपके पास हाइफन नहीं आ रहा, बट डेट टाइम और टाइम स्टैम्प में यही फर्क है। और टाइम, अगर आपको सिर्फ टाइम स्टोर करना है तो आप कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, टाइम की डेटा टाइप यूज करेंगे। और अगर आपको सिर्फ ईयर स्टोर करना है कि कौन से ईयर का ये डेटा है या किस ईयर के लिए ये स्टोर हुआ, किस ईयर में इसने ज्वाइन किया, तो उसके लिए आप डेटा टाइप यूज करते हैं ईयर।
देन वी हैव नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा टाइप दैट कम्स इन द स्ट्रिंग टाइप्स. ठीक है, स्ट्रिंग की भी बहुत सारी टाइप्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है हमारे पास करेक्टर. अगर हमें करेक्टर स्टोर कराना है तो हम करेक्टर डेटा टाइप को यूज करते हैं. जब हमें कलेक्शन ऑफ करेक्टर यानी स्ट्रिंग डेटा को स्टोर कराना है तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह वारचार यूज करते हैं. जावा में या पीएचपी लैंग्वेज के अंदर हम डेटा टाइप कौन सी यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं ना, बट यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हम यूज करते हैं वारचार. क्या यूज करते हैं? वारचार. जब हमारे पास ज्यादा करेक्टर हो यानी हमारे पास ज्यादा टेक्स्ट हो तो हम यहाँ पर ब्लॉब या टेक्स्ट डेटा टाइप को यूज करते हैं. और इसी तरीके से थोड़ा कम हो, 255 करेक्टर्स तक का हमारे पास टेक्स्ट हो तो हम टाइनी टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं या टाइनी ब्लॉब को. इसी तरीके से हमारे पास मीडियम ब्लॉब है, लॉन्ग ब्लॉब है और लास्ट में इनम. इसी तरीके से आपके पास इनम होती है. इनम आपके पास क्या है, विच इज अ फैंसी टर्म फॉर लिस्ट. एक लिस्ट आप डिफाइन कर देते हैं और आप बता देते हैं कि इस लिस्ट में से ही हमारे पास वैल्यू आएगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू वांटेड योर फील्ड टू कंटेंट ए और बी और सी, यू वुड डिफाइन योर इनम एज इनम ए बी सी एंड ओनली दोज वैल्यू और नल कुड एवर पॉपुलेट दैट फील्ड. यानी जैसे कि हमारे पास जेंडर होता है ना, जेंडर के अंदर हमें पता है सिर्फ मेल और फीमेल की वैल्यू ही एक्सेप्ट करनी है उसको, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक इनम बना देते हैं. उसकी डेटा टाइप क्या रख देते हैं, इनम. और उसमें बता देते हैं कि ये जो डेटा टाइप है यानी ये वाली जो कॉलम है इसके अंदर सिर्फ क्या आएगी, सिर्फ इसके अंदर आपके पास मेल या फीमेल की वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, डेटा टाइप्स थी. क्या थी? डेटा टाइप्स. सो नाउ हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल. ठीक है, सो मैं यहाँ पर चलता हूँ, वहां पर हम चलते हैं MySQL वर्कबेंच में और टेबल की क्यूरी लिखते हैं कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं. अभी हमने सिर्फ क्या क्रिएट किया है, हमने सिर्फ अभी तक डेटाबेस क्रिएट किया है. ठीक है, ये आ गए वर्कबेंच में और अब हम अपनी नई क्यूरी लिख रहे हैं जो कि है हमारी क्रिएट टेबल की. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट, उसके बाद आता है कीवर्ड टेबल. अब टेबल का नाम देना है. क्या देना है? टेबल का नाम. टेबल के नाम में आप स्पेस नहीं देते हैं. ठीक है, अगर आपको ऐसे रखना है जैसे टेबल का नाम है स्टूडेंट और आपने लिख दिया डिटेल्स, तो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, अगर आपको इस तरह से रखना है तो आप इनके दरमियान क्या करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे. ठीक है, अभी बताता हूँ अभी. ठीक है, तो ये तो किसका नाम है, टेबल का नाम है. किसका नाम है? टेबल का नाम. जैसे ही आप टेबल का नाम लिखेंगे उसके बाद आप एक ब्रैकेट ओपन करते हैं. ठीक है, पैरेंथेसिस. अब इस ब्रैकेट के अंदर आकर आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि आपकी इस टेबल के अंदर कितनी कॉलम्स होंगी. ठीक है, तो लेट्स से आई वॉन्ट टू स्टोर स्टूडेंट आईडी, तो आई कैन नेम दिस एज स्टूडेंट आईडी. अच्छा, आप जब हम कॉलम का नाम देंगे तो उसके अंदर भी स्पेस नहीं दे सकते, उसमें भी स्पेस नहीं दे सकते. हम इस तरह से स्टोर करेंगे std_id. इसके बाद इसकी डेटा टाइप, तो मैंने डेटा टाइप क्या रखी है, इंटीजर. कॉमा दिया, उसके बाद मैंने कहा std_name. नेम स्टोर करना है तो उसके लिए आई विल यूज वारचार, और वारचार के साथ आपको यहाँ पर लेंथ बनाती होती है कि कितने करेक्टर्स आप स्टोर करना चाहते हैं. हमने कहा 100. ठीक है, उसके बाद हमने कहा हम स्टूडेंट की सिटी भी स्टोर करना चाहते हैं, और सिटी भी आपके पास किस में आएगी, वारचार में आएगी, तो वारचार हमने कर दिया 50. इसी तरीके से हमने कहा हम स्टूडेंट की एज भी स्टोर करना चाहते हैं. अब एज स्टोर करने के दो तरीके हैं. अगर आप डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, डेट वाला कॉलम यूज कर लेंगे. और अगर आप क्या स्टोर कर रहे हैं, अगर आप सिंपल उसकी एज मालूम कर रहे हैं 25 है 26 है, तो आप यहाँ पर इंटीजर या फिर टाइनी जो आपने इंट पढ़ा था वो भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ टाइनी इंट. क्या दे देते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइनी इंट. और जैसे ही हमारी फील्ड्स खत्म हो जाएंगी जो हमने कॉलम्स बनाने थे, हम वहां पे आकर ये कॉमा नहीं लगाएंगे. देखें, हर नई फील्ड के बाद मैंने एक कॉमा लगाया है ना, जब लास्ट फील्ड होगी तो मैं कॉमा हटा दूंगा और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करके और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगा के कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरी क्यूरी यहाँ पर रन हो गई. जब जब आपके पास ये निशान आता है आपके पास सक्सेस का, तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है. देन वी हैव अनदर क्यूरी, अनदर कमांड दैट इज ड्रॉप. ठीक है, अभी हमने देखा कि अभी हमने कौन सी कमांड पढ़ी, अभी हमने पढ़ी क्रिएट, हमने टेबल बनाया था. ठीक है, अगर हमें वो टेबल खत्म करना है
क्या करना है, टेबल खत्म करना है या डेटाबेस को खत्म करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड यूज होती है वो है ड्रॉप। कौन सी कमांड है? ड्रॉप। तो ड्रॉप से पहले एक और कमांड यूज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम्स अब मुझे नहीं पता, जैसे कि ये कमांड लिखने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मिटा दिया। अब मुझे ये देखना है कि भाई टेबल के अंदर कितने कॉलम्स बने हुए हैं या कितनी फील्ड्स बनाई हैं। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे साइड में ही आ रहा है आपके पास, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेबल्स बता रहा है, और यहाँ पर आपको बता रहा है जावा डेमो के अंदर आपने एक टेबल बनाया है किस नाम से, स्टूडेंट कोर्स डिटेल्स के नाम से, और यहाँ पर ये आपके पास कॉलम्स आ रही है। हमने MySQL डेमो के नाम से बनाई थी, तो डेटाबेस हमारे पास जो है वो यहाँ पर अभी नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आप एक दफा इसको क्या कर लें, यहाँ से जाके रिफ्रेश कर लें, क्या कर लें, रिफ्रेश कर लें अपने ब्राउजर को, तो आपके पास यहाँ पर डेटाबेस वो आ जाएगी। आप देखते हैं MySQL डेमो नहीं आ रही, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये देखा आ गई MySQL डेमो। टेबल पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ से जाके कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें ये बता कॉलम्स बता रहा है, stdid, stdname, stdcity, stdage। बट अगर आपको इस तरह से काम नहीं करना है तो आपके पास एक कमांड यूज होती है जिसको हम कहते हैं शो कॉलम्स। क्या है? शो कॉलम्स। अब शो कॉलम्स की कमांड क्या कहती है, आप लिखेंगे शो, शो के बाद आप लिखेंगे कॉलम्स, क्या लिखेंगे, शो के बाद आपने लिखा कॉलम्स फ्रॉम टेबल का नाम आपका क्या है, MySQL स्टूडेंट _ डिटेल्स, ये आपके टेबल का नाम है ना, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो अब देखें ये कमांड जब रन हुई तो इसने आपको बता दिया कि भाई आपके इस टेबल के अंदर एक फील्ड है स्टूडेंट आईडी की, उसकी डेटा टाइप आपने क्या रखी है, इंटीजर रखी है, इसी तरीके से स्टूडेंट नेम है उसकी डेटा टाइप आपने वारचार रखी है, स्टूडेंट सिटी है उसकी डेटा टाइप आपने क्या रखी है, आपने वारचार रखी है, और स्टूडेंट एज की डेटा टाइप आपने क्या रखी है, आपने यहाँ पर टाइनी इंट रखी है। तो अगर किसी टेबल की आपको डिटेल चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वो डिटेल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से इसको करते हैं, यहाँ से क्लोज, इस रिजल्ट को करते हैं यहाँ से चले। उसके बाद हमने जैसे कमांड पढ़ी, कौन सी कमांड थी, ड्रॉप। ठीक है, अगर मुझे टेबल को खत्म करना है तो आई विल टाइप ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मेरे पास क्या है, स्टूडेंट _ डिटेल्स, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट _ डिटेल्स लिख के इसको करूंगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं रन करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे पास लिखा हुआ गया इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो अब देखें जैसे ही मैंने ये ड्रॉप कमांड रन की है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से टेबल डिलीट हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पर टेबल शो हो रहा था। अच्छा, अगर अब मैं ये शो कॉलम्स वाला सिलेक्ट करूंगा ना, ये वाली क्यूरी चलाऊंगा, तो ये देगा कि एरर आ रहा है कि आपके पास MySQL डेमो डॉट स्टूडेंट डिटेल डजेंट एग्जिस्ट, क्योंकि आप उसको क्या कर चुके हैं, उस टेबल को खत्म कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसके लिए आपके पास जो कमांड यूज हो रही है वो कौन सी है, ड्रॉप कमांड। ठीक है, अगर आपको फिर से क्रिएट करना है तो आप अपनी क्रिएट टेबल वाली कमांड को रन कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास फिर से टेबल वो बन जाएगा, और अब आगे आप शो टेबल डिटेल्स देखें तो आपके पास यहाँ पर पूरी की पूरी अगेन डिटेल्स आ गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। आप यहां से क्या करेंगे, ड्रॉप लिख के, ड्रॉप के बाद आप लिखते हैं डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे देंगे, जैसे कि हमारी डेटाबेस का नाम है MySQL _demo। तो अगर मैं अब इसको इस बार यहां से अभी रन करूंगा ना, तो क्या होगा, मेरे पास टेबल भी खत्म हो जाएगा और मेरे पास वो डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेटाबेस भी खत्म हो जाएगी। सो ड्रॉप के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है, डेट इज ट्रंकेट। बट ट्रंकेट की कमांड अभी मैं आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी, तो ट्रंकेट की कमांड के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑल्टर, ऑल्टर के बाद फिर हम पढ़ेंगे ट्रंकेट। ठीक है, सो ऑल्टर कमांड क्या कहती है, अगर हमारे टेबल पे बनाते वक्त कोई गलती हो गई, ठीक है,
क्या हो गई, अगर हम टेबल बना रहे हैं और टेबल बनाते वक्त अगर हमसे गलती हो जाती है लिखने में, या कोई हम कॉलम बनाना भूल जाते हैं, तो फिर हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, ऑल्टर। यानी अब हम टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ऑल्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपको एक कॉलम भी ऐड करा सकते हैं, आप कॉलम को डिलीट भी करा सकते हैं, आप किसी कॉलम का नाम भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी की डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड कराना है, तो आप लिखेंगे कमांड ऑल्टर टेबल, टेबल के बाद टेबल का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे ऐड कॉलम, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप। तो वो डेटा टाइप, वो जो कॉलम है आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल का, उसके बाद लिखेंगे टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक कॉलम ऐड कराना है। तो मैंने लिखा ऐड कॉलम, कॉलम के बाद मैंने एंटर किया और कॉलम का नाम देना है। तो कॉलम का नाम मैंने कहा कि मैं यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कराना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे बोलते हैं DOB, ठीक है। कॉलम का नाम क्या रख दिया, DOB, और डेटा टाइप रख दी डेट, क्या रख दी, डेट। इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट, और इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास कमांड रन हो गई। और अब देखें, मैं यहाँ से शो कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ, किसको, शो कॉलम्स को, और एंटर करता हूँ, तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे DOB के नाम से भी यहाँ पर क्या आ चुकी है, फील्ड आ चुकी है। ओके, जिस तरह से हम अल्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर हम अल्टर कमांड की तरफ से अगर हम क्या करना चाहते हैं, कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो हम कॉलम ऐड कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम अल्टर की मदद से अगर हम किसी कॉलम को क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम वहां पर उस कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें क्या करना है, अगर हमें कोई कॉलम किसी पर्टिकुलर जगह पर इंसर्ट करानी है, जैसे कि हमें फर्स्ट कॉलम के बाद वो जो है वो इंसर्ट करानी है, कॉलम ऐड करानी है, तो वो हम वो भी कर सकते हैं। वह उसके लिए हमारे पास फर्स्ट यूज़ होगा, अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करानी है, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के बाद वो ऐड करानी है, तो उसके लिए हमारे पास आफ्टर यूज़ होगा। सो लेट्स गो टू दी वर्क पेज एंड सी हाउ वी कैन डू दिस। सो हेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर, आई विल टाइप ऑल्टर, एंड आई विल टाइप ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, और जिस तरह से अभी जो मैंने कॉलम अभी ऐड करवाई है, उसी कॉलम को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो आई विल टाइप ड्रॉप, और कॉलम का नेम हमारे पास है DOB। और इस तरह से अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से आगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, और हमारे पास ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सो हमारे पास ये जो ड्रॉप की कमांड है एग्जीक्यूट हो गई है। और उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम के बाद कोई फील्ड ऐड करानी है, तो पहले मैं आपको यहाँ से शो कॉलम्स करके सारी फाइल्स दिखाता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, और हमारे पास अब देखें यहाँ से DOB के नाम से जो हमने कॉलम बनाई थी वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब इसी तरीके से व्हाट आई कैन डू, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है कॉलम आपके पास ड्रॉप हो गई है। अब इस तरह से हम यहाँ पर आके अगर कोई कॉलम ऐड कराना चाहते हैं, तो आई वी विल टाइप आई ऑल्टर टेबल, एंड आफ्टर ऑल्टर टेबल आई विल टाइप दिस टेबल नेम, दैट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, एंड आफ्टर डेट इफ आई वॉन्ट टू एड वन मोर कॉलम, सो आई विल टाइप एड कॉलम, एंड आई विल टाइप द कॉलम नेम, डैट इज DOB, और यू कैन ऐड अनदर कॉलम नेम। और उसके बाद हम यहाँ पे डेटा टाइप देंगे, लेट्स से डेट, और उसके बाद हम बताएंगे कि हमें ये फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए या फिर किसी कॉलम के बाद में चाहिए। तो बाद में चाहिए तो हम आफ्टर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और उसके बाद बता देंगे कि कौन से कॉलम के बाद ये हमें चाहिए। तो मैंने कहा SVD अंडरस्कोर एज के कॉलम के बाद चाहिए, तो वो लास्ट है। ऐसा करता हूँ, मैं सिटी के कॉलम के बाद ये यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद वी विल रन दी कमांड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, और हमारे पास यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर शो कॉलम्स वाली जो कमांड है हमारी, उसको अगेन एग्जीक्यूट कराऊँगा, और यू विल सी कि हमारे पास एक कॉलम ऐड हो चुकी होगी, और वो किस पोजीशन पे ऐड हुई होगी, वो हमारे पास जो ऐड हुई होगी वो आपके पास। सो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास DOB की जो कॉलम है वो कहाँ पर ऐड हुई है, सिटी के कॉलम के बिल्कुल बाद हुई है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, या फिर उसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर भी इंसर्ट करवा सकते हैं।
सो उसके बाद यहाँ पर आकर अगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी कॉलम की डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड यूज़ होती है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम देते हैं, मॉडिफाई यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आके हम बता देते हैं कि हम उसको जो है ना, उसकी डेटा टाइप जो चेंज करना चाहते हैं उसमें क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और हमें यहाँ पर जो है ना ऑप्शन मिलता है, डेट इज़ चेंज द चेंज द सिंटेक्स इज़ अ बिट डिफरेंट। आफ्टर द चेंज कीवर्ड यू नेम द कॉलम यू वांट टू चेंज एंड देन स्पेसिफाई द न्यू डेफिनेशन विच इंक्लूड्स द न्यू नेम। तो आप यहाँ पर आके चेंज और मॉडिफाई में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप देखें जब आप चेंज को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आके आप चेंज जो है, चेंज के बाद आप पुराना कॉलम का नाम बताएंगे और नया कॉलम का नाम बताएंगे और उसकी डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो कॉलम चेंज हो जाएगी। ओके, सो वी कैन चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कॉलम बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, बट मैंने आपको अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं बताया। सो बेसिकली जब हम कोई टेबल वगैरह बनाते हैं तो टेबल बनाते वक्त हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। सो अगर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाद में, यानी जब हमने क्रिएट कर लिया टेबल उसके बाद याद आया कि हमें किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो उसके लिए भी हम ऑल्टर कमांड को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आके ऑल्टर टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे ऑल्टर, उसके बाद जो भी कॉलम का नाम है वो डिफ़ाइन करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ाइन कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल की मदद से हम डिफ़ॉल्ट भी किसी पे से जो है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। We can also rename a table by using the alter table command. So what we have to do, we will write the command alter table, table name and rename लिखकर, और उसके बाद हम टू का कीवर्ड यूज़ करेंगे और नया नेम जो टेबल का हमें रखना है वो डिफाइन कर देंगे। सो हाउ वी कैन डू दिस, हम यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे alter table and after let me go again in the last. Okay, so यहाँ पर आगे मैं क्या लिखूँगा, alter table, और टेबल का नाम हमारे पास है स्टूडेंट अंडर स्कोर डिटेल्स, और हम इसको रीनेम करके, रीनेम टू हम इसको रीनेम करके रखना चाहते हैं एसटीडी अंडर स्कोर डिटेल्स। तो हमने क्या किया, ये कमांड जब हम रन करेंगे तो हमारे पास जो टेबल का पुराना नाम है वो रीनेम होके उसको नया नाम असाइन हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से देखें हमारे पास ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं और इसको करते हैं रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करके अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास टेबल का नाम जो है वो एसटीडी अंडरस्कोर डिटेल्स हो चुका है, बट इससे पहले हमारे पास टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स था। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इंसर्ट क्यूरी। सो इंसर्ट क्यूरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। सो अभी तक हमने ये देखा है कि हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमने टेबल बना लिया तो सेकंड स्टेप इज़ कि हम उस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट कमांड क्या होती है आपके पास, आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और उसके बाद आप फील्ड्स का नेम बताते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं और आपके पास आप वैल्यूज़ पास कर देते हैं। सो वी विल गो टू द MySQL वर्कबेंच एंड सी हाउ वी कैन यूज़ द इंसर्ट क्यूरी। सो हियर नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट सम डेटा इनटू द एसटीडी डिटेल्स। सो इंसर्ट इनटू एंड हियर आई विल डिफाइन द टेबल नेम, दैट इज़ एसटीडी अंडरस्कोर डिटेल्स। Now I want to specify which columns for which column I want to insert data. So अगर मुझे सब columns का data pass करना है तो यहाँ से मैं columns के name specify करूँगा। So आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर total 5 column है। First of all std id, then we have std underscore name, then we have std underscore city, then we have dob, and after that we have the last column, that is std underscore age. So after specifying this, now we will let me zoom out. Now I will type values, and after that values I will define the values. For id I will be passing the integer value, and for integer value I simply don't have to use the single quotes, but for आपके पास यहाँ पर
आपके पास स्ट्रिंग या आपके पास वाचार और डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने डेट पास की है, तो डेट के कॉलम के लिए हमें सिंगल कोड के अंदर वैल्यू पास करनी होगी। सो यहाँ पर हमने दिया 1, उसके बाद यहाँ पर आके सेकेंड हमने नेम स्पेसिफाई कर दिया, लेट्स से असद, लेट्स स्पेसिफाई द सिटी दैट विल बी हैदराबाद, एंड हेयर आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द डेट ऑफ बर्थ, सो आई हैव टू स्पेसिफाई द डेट ऑफ बर्थ, नाउ दैट इज़ द मंथ स्लैश 27 डेट, एंड दैट इज द डेट ऑफ बर्थ, नाउ हेयर आई वॉन्ट टू पास द एज, एंड फॉर एज आई हैव यूज इन टीचर, सो आई विल पास विदाउट द सिंगल कोड, सो लेट्स से 25, एंड ठीक है, सो नाउ हेयर आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस वैल्यू एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंड यू कैन सी के हमारे पास यहाँ पर डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया, बट इन देयर इज सम एरर, एंड हेयर इज द एरर, डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम डी ओ बी, सो दैट इज़ बिकॉज आई थिंक हमने यहाँ पर डी ओ बी यानी डेटा टेबल जो डेट है डेट के लिए वैल्यू सही तरीके से पास नहीं की, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हम किस तरह से डेट की वैल्यू पास करेंगे। ओके, सो जो हमें वैल्यू पास करनी होती है किसकी, डेट की, तो उसको हम किस फॉर्मेट में पास करते हैं, हमारे पास फॉर्मेट जो है वो ये यूज़ होता है कि हमें पहले ईयर पास करना होता है, उसके बाद हमें पास करना होता है यहाँ पर मंथ, और उसके बाद हमें डे जो आपके पास करंट डेट होती है डे होता है वो पास करना होता है। तो हमने यहाँ से कुछ इस तरह से डेट पास कर दी, और डेट पास करने के बाद में यहाँ पर आके वैल्यूज़ को अपडेट करता हूँ, सो मैंने कहा 2, और यहाँ पर मैंने कहा मैं सेकंड यूज़र का डेटा पास कर रहा हूँ अहमद। हम एक साथ एक रो का डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल रोज का डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो लेट्स इंसर्ट दिस। सो नाउ यू कैन सी आई एम नॉट गेटिंग एनी वार्निंग, बिकॉज हमारे पास अब जो हमने डेटा पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में पास किया है। अगर मुझे एट अ टाइम एक से ज़्यादा रोज का डेटा पास करना है तो मैं यहाँ पर कॉमा लिखूँगा, और कॉमा देने के बाद आई विल कॉपी एंड पेस्ट दिस, एंड जितनी रोज़ मुझे इंसर्ट करवानी है उसी तरीके से मैं यहाँ पर इंसर्ट करा दूंगा, जब मेरे पास लास्ट होगी तो मैं यहाँ पर आके सेमी कॉलन दे दूंगा, और इसी तरीके से हम यहाँ पर आके इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं 3, 4, 5, 6, एंड हेयर आई वॉन्ट टू इंसर्ट द डेटा ऑफ अली, दैट इज अली, दैट इज खालिद, वी हैव ए स्टूडेंट आदिल, देन वी हैव एन स्टूडेंट दैट इज नेम इज जहानसेब, and we have some student that belongs to Karachi as well, so here I will be inserting Karachi that belongs to Multan, let's change the age and date a bit, so just I'm going to change like this 4, 2, 3, and this is also 23, and just change the डेट अ बेट एंड फॉर 23 एज है जिसकी, उसका 97 एंड 97, 98 and 96, सो नाउ लेट्स रन दिस क्यूरी एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया है, 4 रोज़ का डेटा इंसर्ट हो गया है, तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, तो इसकी इंडिकेशन ये है कि हमारे पास हमने 4 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। सो नाउ आफ्टर इंसर्टिंग सम डेटा, नाउ वी हैव अनदर क्यूरी, सेट ऑफ क्यूरी दैट इज कम्स इनटू द डीएमएल कमांड्स, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डेटा मैनिपुलेशन के अंदर जो सबसे पहली कमांड हम समझने वाले हैं वो है सिलेक्ट कमांड। सो बेसिकली जब हम क्या कर लेते हैं, डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद अब अगर हम वो डेटा देखना चाहते हैं कि वो हमने कौन कौन सा डेटा अभी इंसर्ट किया है हमारे टेबल के अंदर, तो वो रिकॉर्ड्स को देखने के लिए जो हमारे पास कमांड यूज़ होती है डेटा को फेच करने के लिए कमांड यूज़ होती है वो है सिलेक्ट क्यूरी, और सिलेक्ट क्यूरी अब किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं तो उसको अब हम समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टाइप सिलेक्ट, देन आई विल यूज़ ऑल, ऑल मीन्स के आई वॉन्ट टू शो दी डेटा ऑफ ऑल दी कॉलम्स, यानी मेरे पास आई डी, नेम, सिटी, डी ओ बी, एज सब का डेटा मुझे शो कराना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है std_details, और उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा और आई विल गेट दी
data of all the students. So you can see कि I am getting the data of all the students. तो मैंने यहाँ पर सारे data students का data जो है ना वो मेरे पास यहाँ पर show हो रहा है. मैंने 6 records insert करवाए थे तो यहाँ पर ये 6 के 6 record मुझे show हो रहे हैं. अब यहाँ पर आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आके अगर आपको सिर्फ student का name और उसकी city देखनी है तो आप यहाँ पर columns भी बता सकते हैं कि आपको किन columns का data देखना है. तो जैसे कि मैंने कहा मुझे std name कॉमा मुझे std_city का डेटा देखना है सिर्फ. तो अब मैं जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा सो नाउ आई विल ओनली सी द डेटा ऑफ स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट सिटी. तो हम सिलेक्ट की कमांड के अंदर जो है डेटा सिलेक्ट फैच करने के लिए उसको यूज़ करते हैं. और साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, साथ के साथ हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से जो है वो कॉलम्स भी बता सकते हैं कि किन कॉलम्स का डेटा हमें दिखाना है और किन कॉलम्स का डेटा हमें फैच नहीं करना. सो नाउ दीज आर सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स. सो व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, बेसिकली MySQL के अंदर हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं जिनको जो हम रूल्स डिफाइन करते हैं किसी ना किसी कॉलम्स के ऊपर. ठीक है, तो कॉलम्स के ऊपर हम डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं. तो MySQL कंस्ट्रेंट आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा डेट कैन बी इंसर्टेड इन टू द टेबल. MySQL कंस्ट्रेंट कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स, कॉलम लेवल एंड टेबल लेवल. यानी जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं हम वो दो लेवल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं. जो कॉलम लेवल वाले होते हैं वो सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, जबकि हमारे पास अगर हम टेबल लेवल पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो टेबल लेवल वाले कंस्ट्रेंट जो हैं वो इंटायर टेबल के लिए होते हैं. तो सिंपली अगर हमने कोई कंस्ट्रेंट लगाया और वो हमने उस कॉलम के आगे लगाया सो इट इज़ ओनली लिमिटेड टू डैट कॉलम. अदरवाइज अगर हमने टेबल लेवल पे कोई कंस्ट्रेंट लगाया तो वो आपके पास जो आपके पास कंस्ट्रेंट है वो इंटायर टेबल के लिए एप्लीकेबल होता है. MySQL constraint is declared at the time of creating a table. तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते वक्त हम constraints define करते हैं कि हमें कौन कौन से constraint हमें टेबल के अंदर utilize करने हैं. So these are some of the constraints that we can use in MySQL. First one is the not null. Ensures that a column cannot have a null value. अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसी कॉलम के अंदर null value ना आए तो हम उसके साथ define करते वक्त not null का attribute use करते हैं, not null का constraint. अगर हम ये ensure करना चाहते हैं कि हमारे कॉलम के अंदर जो values आएंगी वो unique होंगी, like अगर हम किसी user की email ID store करना चाहते हैं और हमें पता है कि हमारे पास हर यूज़र की ईमेल आईडी यूनिक होगी तो हम ईमेल आईडी को यूनिक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं. देन वी हैव प्राइमरी की एंड देन वी हैव फॉरेन की. दीज आर टू कीज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन फर्दर इन द वीडियो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज दीज कंस्ट्रेंट. सो बेसिकली प्राइमरी की जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल और यूनिक का. यानी अगर आप एक कॉलम के अंदर ये रखना चाहते हैं कि वो नल वैल्यू भी एक्सेप्ट ना करे और यूनिक वैल्यू उसके अंदर आनी चाहिए तो फिर आप क्या करते हैं, प्राइमरी की को यूज़ करते हैं. तो आपको जहाँ पर भी डेफिनेशन मिलेगी प्राइमरी की तो प्राइमरी की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम अपनी टेबल के अंदर किसी रो को आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम उस कॉलम को जो है वहाँ पर उस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की बनाते हैं. और फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाई आ रिकॉर्ड इन अनदर टेबल. अगर हम किसी और टेबल को जो है वो एक से दो टेबल को आपस में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हम फॉरेन की का कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं. देन वी हैव अनदर कंस्ट्रेंट डैट इज़ चेक कंस्ट्रेंट. तो ये इंश्योर करता है कि अगर आपने कोई चेक कंस्ट्रेंट लगाया तो वो जो कॉलम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किसी ना किसी स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा करे. डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने आपको अभी ऑल्टर करते वक्त समझाया था, तो डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी कॉलम की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि अगर यूज़र कोई वैल्यू नहीं पास करता तो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए तो वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इंडेक्स वगैरह बना रहे हैं तो हम इंडेक्स का कंस्ट्रेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें इंडेक्सेस बनाने हैं ताकि हम डेटा बेस से जो डेटा है वो क्विकली रिट्रीव कर लें तो उसके लिए हम इंडेक्सेस यूज़ करते हैं. तो इंडेक्स भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की तरह यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दी नॉट नल कंस्ट्रेंट. तो नॉट नल कंस्ट्रेंट आप कैसे लगाते हैं, जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते वक्त आप जिस कॉलम को नॉट नल रखना चाहते हैं तो आप डेटा टाइप के बाद आप वो कंस्ट्रेंट बता देते हैं दैट इज़ नॉट नल. तो नॉट नल ये इंश्योर करेगा कि आपके पास कोई भी इस कॉलम के अंदर कोई भी डेटा जो आए उसके अंदर नल वैल्यू ना आ सके. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल एंड लेट्स से क्रिएट टेबल एंड नेम दिस डेमो.
एंड हेयर आई एम गोइंग टू स्टोर एन आई डी डेट विल बी इंटीजर एंड इट विल बी नॉट नल एंड हेयर आई एम गोइंग टू स्टोर सम डेमो नेम एंड आई विल बी यूजिंग वाचार 100 एंड हेयर आई एम नॉट यूजिंग दी नॉट नल कंस्ट्रेंट. सो अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो हमने यहाँ पर बेसिकली दो फील्ड्स बनाई हैं और यहाँ पर दो कॉलम्स हैं. एक आईडी है जो कि नॉट नल एक्स वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहाँ पर एक डेमन नेम है जिसके अंदर हमारे पास वारचार वैल्यू आएगी लेकिन यहाँ पर कोई नॉट नल का कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ. तो अब देखते हैं कि एस को करने के बाद हमारे पास क्या होगा. कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, टेबल क्रिएट हो गया. सो नाउ लेट्स इंसर्ट सम डेटा इन दिस टेबल. इंसर्ट इन टू डेमो और यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स का नाम है आईडी कॉमा डेमो नेम और यहाँ पर आके मैंने लिखा वैल्यूज़ और वैल्यूज़ के बाद मैंने वैल्यू दी 1 कॉमा और यहाँ पर आके मैंने लेट से वैल्यू पास नहीं की. ये देखें मैंने वैल्यू पास नहीं करी और अभी अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा सो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा. और मैं अगर अब सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो टेबल तो आप देखेंगे कि अब इस डेमो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गई होगी. सो डेमो के अंदर हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गई, आई डी 1 आ रही है और डेमो नेल में आपके पास क्या हो गई, नल वैल्यू एक्सेप्ट हो गई. बट अगर आप चाहते हैं क्योंकि आपने आईडी के ऊपर क्या लगाया है, नॉट नल लगाया है, तो अगर आप सेम क्यूरी जो मैंने अभी ऊपर लिखी थी अगर मैं अगेन ये क्यूरी कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आके मैंने कहा सेकंड आईडी और यहाँ पर आके चले मैं आईडी की वैल्यू पास नहीं करता, मैं सिर्फ नेम पास करना चाहता हूँ. मैंने कहा डेमो नेम की वैल्यू पास करना चाहता हूँ और नाम मैं देना चाहता हूँ असद. तो अब मैं अगर इंसर्ट करने जाऊँगा तो इट विल जनरेट एन एरर एंड इट विल से के फाइल फील्ड आईडी डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू. सो लेट्स से कि अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया कि इसने हमें 0 इंसर्ट कर दिया यहाँ पर. तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर एक वार्निंग जनरेट हुई कि आप जो है आपने इस फील्ड की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की है. तो अगर आप ये डेटा इंसर्ट करेंगे तो आपके पास जो है एरर आएगा और वार्निंग आएगी कि आपने यहाँ पर नल के अंदर कोई वैल्यू डाल दिए तो यहाँ पर 0 ले रहा है जो कि रॉन्ग है. तो आप इस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास जो है नल वैल्यू किसी कॉलम के अंदर ना आए. देन वी हैव एन यूनिक कंस्ट्रेंट. अगर हम चाहते हैं कि आपके पास क्या हो, यूनिक कंस्ट्रेंट यानी यूनिक वैल्यूज आए इस टेबल के अंदर, तो फिर आप क्या करते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं. तो यूनिक कैसे लगाएंगे, सो आई विल बी यूजिंग ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम मेरे पास है डेमो और इसके अंदर मैं एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ. फील्ड मैं यानी एक कॉलम ऐड करवा रहा हूँ, कॉलम और कॉलम का नाम होगा ईमेल और इसकी डेटा टाइप होगी वारचार 50 और ये क्या होगी आपके पास, यूनिक होगी यहाँ पर. सो अब आप देखें यहाँ से आके मैं इस कमांड को रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर अभी सिलेक्ट की कमांड रन करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास 3 कॉलम्स आ जाएंगे. देखें आगे तो अब हम यहाँ पर आगे क्या करते हैं, इंसर्ट की कमांड रन करते हैं और हम बोलते हैं इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम क्या है, डेमो. और डेमो के अंदर हम देना चाहते हैं, अगर हम तमाम फील्ड्स का डेटा दे रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती फील्ड्स. हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं. हमने कहा थर्ड आईडी नेम होगा अहमद और हम यहाँ पर क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं, अहमद की ईमेल आईडी भी स्टोर करना चाहते हैं. तो ahmed@gmail.com और यहाँ पर आके हम डेटा को करवाते हैं इंसर्ट. कंट्रोल शिफ्ट एंटर इंसर्ट पे, अच्छा ठीक है. तो यहाँ पर हमने फील्ड्स का नेम नहीं दिया तो हमारे पास आ जाएगा आईडी कॉमा डेमो नेम कॉमा ईमेल. ओके सो मैं यहाँ से इसको करता हूँ एग्जीक्यूट. अच्छा मैंने मैंने यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगाया था और मतलब सिंगल कोड नहीं लगाया था, इसकी मिस्टेक थी. तो इसको एंटर कर दें
सो अब हमारे पास डेटा इंसर्ट हो चुकी है, और अगर हम डेमो के टेबल में जाके देखें तो हमारे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सो अब देखते हैं कि आपके पास ये जो, अगर मैं अगेन इंसर्ट करने जाता हूँ आईडी यूनिक कंस्ट्रेंट पे, तो ये एरर देता है या नहीं देता। तो यहाँ पर चलते हैं और अगेन ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक करते हैं। सो आई एम गेटिंग एन एरर, डुप्लीकेट एंट्री फॉर अहमद एट gmail.com। सो बिकॉज आपने ईमेल वाली जो कॉलम है उसको क्या बनाया है, यहाँ पर यूनिक बनाया, तो आप इसके अंदर एक ही बार इस तरह की आईडी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी आपने क्या बनाई है, यूनिक बनाई है। तो हर यूज़र की या हर स्टूडेंट की जो ईमेल आईडी होगी वो डिफरेंट होगी, तो इस वजह से अब आपने यहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। अगर मैं को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर पे प्रेस करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड या फोर्थ वाला रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ईमेल क्या रखी थी, यूनिक रखी थी, और उसने जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू दे दी थी, इस वजह से हमारे पास डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं हुई। सो नाउ वी हैव अनदर कंस्ट्रेंट, दैट इज चेक कंस्ट्रेंट। तो चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, इज यूज टू लिमिट द वैल्यू रेंज, यानी आपके पास अगर आप क्या करना चाहते हैं, कुछ लिमिट लगाना चाहते हैं, लाइक क्या आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट की एज होगी, अगर उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होती है या ग्रेटर देन, आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, और साथ के साथ आप ये बताते हैं कि किस कॉलम पे ये आप चेक कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं। सो क्योंकि मेरे पास टेबल ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं ऑल्टर करूँगा, ऑल्टर टेबल करते हैं, और टेबल को ऑल्टर करके हम यहाँ पे बोलते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हमारे पास है डेमो, और यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करते हैं कॉलम, और कॉलम ऐड करने के बाद हमने कहा कॉलम का नाम होगा एज, और उसके अंदर हम क्या ऐड करना चाहते हैं, उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, और उसके अंदर हम कंस्ट्रेंट यूज़ करना चाहते हैं चेक, और चेक हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ओके सो वी हैव टू पास दिस इन द ब्रैकेट्स, सो वी हैव टू पास दिस इन ब्रैकेट, एंड नाउ वी रन दिस एंड देयर इज नो एरर। सो नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड, इंसर्ट इन टू डेमो। सो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ द इंसर्ट क्यूरी। So now after modifying the table, now I am going to insert another record. But now क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम सारा रिकॉर्ड दे रहे हैं तो इस वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से कि आई एम गोइंग टू इंसर्ट अनदर रिकॉर्ड, दैट इज ऑफ अली, एंड लेट्स नेम दिस स्टूडेंट एज अली, एंड इसकी आईडी हम कर देते हैं 4, और उसके बाद यहाँ पर एज पास कर देते हैं 25। सो नाउ हमने यहाँ पर चेक लगाया तो हमारे पास ये डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है 1 रोज अफेक्टेड। सो लेट्स सी कि हमारे पास अभी क्या होता है, तो हम सिलेक्ट करते हैं डेमो को और देखते हैं हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सो हमारे पास यहाँ पे 25 आ गया है, क्यों? ओके बिकॉज हमने कंडीशन लगाई है कि एज जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 से, तो हम लेस देन 18 वैल्यू पास करके देखते हैं और फिर हमारे पास एरर आएगा। तो मैं यहाँ पे 17 पास करता हूँ, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ डेटा खालिद, और स्टूडेंट का नाम दे देते हैं खालिद, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ 5, और नाउ हम क्या करते हैं यहाँ पर जाकर कंट्रोल शिफ्ट एंटर पे क्लिक करते हैं। सो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग एन एरर, चेक कंस्ट्रेंट डेमो 1 इज़ वायलेटेड, यानी ये बोल रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर एक चेक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, और वो चेक कंस्ट्रेंट क्या हुआ है, वायलेट हुआ है, यानी आपने जो वैल्यू पास की है इस पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट में वो करेक्ट नहीं है, और वो आपके चेक कंस्ट्रेंट को, आपके रूल को स्पेसिफाई नहीं कर रही, पूरा नहीं कर रही, इस वजह से आप जो इंसर्शन है वो नहीं कर सकते। सो आप अगर इस तरह से कोई क्या करना चाहें, रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहें किसी कॉलम के ऊपर, तो आप चेक कंस्ट्रेंट की मदद से वो भी लगा सकते हैं। सो आफ्टर डैट सम कंस्ट्रेंट्स, आगे चल के हम अभी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, बट अभी तक हमारे पास हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लॉजेस। तो सबसे पहला जो क्लॉज है वो है हमारे पास वेयर क्लॉज। सो व्हाट डज वेयर क्लॉज डू,
अगर हमारे पास हमें कुछ डेटा हमें सिलेक्ट करना है, तो अभी तक हमने देखा कि जब भी हम सिलेक्ट की कमांड लिखते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ जाता है। तो अगर हमें अपने रिकॉर्ड को जो हमने डेटा फेच किया उसको फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास जो क्लॉज यूज़ होता है वो है वेयर क्लॉज, जिसके थ्रू हम अपने रिजल्ट को फिल्टर कर सकते हैं। अब वो फिल्टर किस तरह से कर सकते हैं, तो हम वेयर के बाद हम कॉलम का नेम बताते हैं और उसके बाद हम कंपेरिजन ऑपरेटर्स बताते हैं। लाइक अगर हमें कुछ कंपेयर करना है, जैसे इक्वलिटी चेक करनी है, ग्रेटर देन देखना है, लेस देन देखना है, तो वो हम वेयर की क्यूरी के बाद, वेयर के क्लॉज के बाद डिफाइन करते हैं सिलेक्ट क्यूरी के अंदर। सो किस तरह से हम यूज़ करेंगे देखते हैं। सो नाउ मेरे पास जो पहला टेबल था स्टूडेंट डिटेल्स का, उसके अंदर से मैं उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जिनकी सिटी हैदराबाद है। सो नाउ आई हैव टू टाइप सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट std_details वेयर std_city, यानी उस कॉलम का नाम, उसके बाद सिटी का नेम जहाँ पर हैदराबाद के बराबर है। सो अब आप देखें, जब मैं इस कमांड को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा, सो मेरे पास सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जो यहाँ पर, जिनकी सिटी क्या है, हैदराबाद है। आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ का रिकॉर्ड नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनकी सिटी हैदराबाद नहीं है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने कहा भाई नॉट इक्वल टू, यानी उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेकर आओ जिनकी सिटी हैदराबाद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ऑपरेटर चेंज कर दिया नॉट इक्वल टू, और उसके बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग ओनली दो टू स्टूडेंट डेट डजेंट बिलोंग्स टू हैदराबाद। ठीक है, इसी तरीके से हम इसी क्यूरी के अंदर किसी और कॉलम के ऊपर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक दिस, आई वॉन्ट टू गेट दी डेटा ऑफ दोज स्टूडेंट जिनकी एज क्या है, वो आपके पास ग्रेटर देन 25 है, तो आई कैन स्पेसिफाई ग्रेटर देन एंड हेयर आई हैव टू टाइप व्हाट कंडीशन आई वांट टू यूज़। तो मैंने कहा ग्रेटर देन 25, सो अब मेरे पास उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा जो कि जिनकी एज क्या होगी 25 से ज़्यादा होगी। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ऐसे दो ही स्टूडेंट हैं जिनकी एज 25 के बराबर है या उससे ज़्यादा है। चले मैं इस क्राइटेरिया को चेंज करता हूँ, मैं इधर 25 लेस देन कर देता हूँ, यानी 25 के बराबर या उससे लेस देन है, तो वो सारा ही रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ 24 देता हूँ, तो 24 से नीचे नीचे या उसके बराबर जिसकी एज होगी, अब मेरे पास उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है जिनकी एज या तो 24 है या 24 से कम है। तो आप वेयर क्लॉज के अंदर क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। सो यू कैन स्पेसिफाई एनी कंडीशन यूजिंग दी वेयर क्लॉज, यू कैन स्पेसिफाई मोर देन वन कंडीशन यूजिंग दी एंड और ऑपरेटर। तो हमारे पास हम एक से ज़्यादा कंडीशन भी वेयर के अंदर पास कर सकते हैं बाई यूजिंग दी एंड और ऑपरेटर्स। तो आपको पता है कि अगर हमें दो क्यूरीज को चेक करना है, यानी दो कंडीशन को पूरा करना है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कोई एक भी कंडीशन आपके पास पूरी हो जाती है तो आपके पास रिजल्ट में वो इंक्लूड हो जाए, तो फिर आप यहाँ पर और को यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लॉज कैन बी यूज अलॉन्ग विद डिलीट और अपडेट एसक्यूएल कमांड आल्सो टू स्पेसिफाई अ कंडीशन। और आपके पास वेयर क्लॉज हमेशा यूज़ होता है डिलीट और अपडेट कमांड के साथ स्पेसिफाई कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए। तो अभी आगे चल के हम सीखेंगे कि डिलीट और अपडेट में हम वेयर को क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंड और ऑपरेटर्स की मदद से कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और देन हम आगे की तरफ। सो नाउ लेट्स से आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट, लेट्स से std_details एंड आई वांट वेयर स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट सिटी जिनकी बराबर हो, किसके बराबर हो, हैदराबाद के बराबर हो, और साथ के साथ क्या हो, उसके बाद मैंने लिखा एंड, और मैंने कहा भाई ये देखें, मैं वेयर की क्यूरी नीचे ले आता हूँ नेक्स्ट लाइन में, और मैंने कहा एक तो सिटी हैदराबाद के बराबर होनी चाहिए और दूसरा उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनकी एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। तो अब आप देखें यहाँ पर, अब मेरे पास अगर मैं पहले आपको सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करके दिखाऊं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो मेरे पास कुछ दो स्टूडेंट टोटल रिकॉर्ड के अंदर भी मेरे पास दो स्टूडेंट हैं जो कि इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। टोटल हैदराबाद के अगर मैं आपको स्टूडेंट दिखाऊं तो मेरे पास चार हैं, बट दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सिटी भी हैदराबाद है और जिनकी एज
24 से 25 से ज़्यादा है या 25 से के बराबर है। तो अगर आपके पास आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी आपके पास वो रिजल्ट सेट में इंक्लूड हो तो आप एंड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर पे प्रेस करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग दी रिकॉर्ड ऑफ टू स्टूडेंट्स। व्हाट वी कैन डू इफ़ वी वांट के आइदर उनकी एज 25 से बड़ी हो या 25 के बराबर हो या उनकी सिटी हैदराबाद के बराबर हो तो फिर भी उनका डेटा इंक्लूड कर लो रिजल्ट सेट के अंदर। तो फिर हम यहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया पेस्ट, और यहाँ पर आके अब मैं यूज़ कर लेता हूँ और। तो और यूज़ करने के बाद मैं इसको करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। सो नाउ यू कैन सी के आई एम गेटिंग ऑल दी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड दैट बिलोंग्स टू हैदराबाद, वेदर दे हैव एज ग्रेटर देन 25 और इक्वल टू 25, बट वी आर गेटिंग ऑल दी रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ दी और ऑपरेटर, क्योंकि और ऑपरेटर ये कहता है कि आइदर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से वेयर क्लॉज को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अपडेट क्यूरी। सो बेसिकली व्हाट सिचुएशन, इन व्हाट सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज़ द अपडेट क्यूरी। सो बेसिकली देयर इज़ अ सम टाइम रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टू we have entered an incorrect data for some particular records. Now we want to modify that data or record. So in that condition we use update query. So update query को हम उस तरह से use कर सकते हैं। You can update one or more field altogether. आप क्या कर सकते हैं, एक साथ एक या दो, एक से ज़्यादा भी fields को update कर सकते हैं। Update की syntax क्या है update query की, आप update लिखते हैं, table का नाम लिखते हैं, set का keyword use करते हैं, उसके बाद field का नाम देते हैं और उसकी new field आपके पास वैल्यू देते हैं, कॉमा लगा के फील्ड का नेम, सेकंड फील्ड का नेम देते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं। तो जितनी फील्ड्स का आपको वैल्यू को अपडेट करना होता है आप उतनी फील्ड्स को डिफाइन करते हैं और उसके बाद आप वेयर क्लॉज डिफाइन करते हैं। सो नाउ व्हाई वी यूज वेयर क्लॉज, बिकॉज अगर हम वेयर क्लॉज को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ऑल टूगेदर ऑल डेटा ऑफ द टेबल विल बी अपडेटेड। लेट्स से आई वॉन्ट टू अपडेट name of some student which doesn't have name. So अगर मैं यहाँ पर चलूँ condition के अंदर, तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ तो हमारे पास एक table है demo का। तो अगर मैं यहाँ से select करता हूँ demo के table से, तो मैंने लिखा select all from demo, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो किया। तो अब आप यहाँ पे देखें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का जो है ना नेम मैंने नहीं दिया हुआ, और दो की मैंने ईमेल नहीं दी हुई, तीन की मैंने एज नहीं दी हुई, और एक की आईडी मैंने गलत दी हुई है। तो चले मैं बोलता हूँ मुझे इसकी आईडी अपडेट करनी है। तो इसकी आईडी अपडेट करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेट, अपडेट के बाद मैंने लिखा टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है डेमो, उसके बाद मैंने लिखा सेट और मैंने कहा आईडी को बराबर कर दो टू के, ठीक है। तो आपके पास क्या कर दो, आईडी को बराबर कर दो टू के। तो अब इतनी क्यूरी लिख के अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर ओके, सो हमने वर्क बेंच में सेफ मोड के साथ कनेक्ट किया हुआ, तो इस वजह से ये वेयर क्लॉज के बगैर रन नहीं होगा। तो अगर आप वेयर क्लॉज के बगैर अपडेट क्यूरी को यूज़ करने लगेंगे तो ये आपको एरर जनरेट करेगा। बट अगर आप अभी इस क्यूरी को रन करते तो आपके पास क्या होता, आपके पास यहाँ पर ऑल टुगेदर हर आईडी जो है ना, यानी सारे रिकॉर्ड्स में जो आईडी है वो टू हो जाती। तो इस वजह से जब भी हमें किसी स्टूडेंट का डेटा सेफ मोड, तो सेफ मोड को हमें यहाँ से बंद करना है। तो हम रेफरेंस में आते हैं और यहाँ पे आके एसक्यूएल एडिटर में आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन है सेफ मोड का, तो हम उसको यहाँ से ख़त्म करते हैं सेफ अपडेट्स। तो सेफ अपडेट्स में क्या हो रहा है कि रिजेक्ट्स अपडेट्स एंड डिलीट विथ नो रिस्ट्रिक्शन, अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई तो आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, ये रिजेक्ट कर देगा। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो इसलिए हम यहाँ से इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से हमें अपने विंडो को यहाँ पर क्यूरी एडिटर को एक बार फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इंस्टेंस को फिर से रिकनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं न्यू करते हैं और इसके बाद इसको मैं यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ जो भी मैंने वहाँ से पेस्ट किया था, और यहाँ पर आके मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ।
सो अब यहाँ पर जाके मैं अपडेट करने की ट्राई करता हूँ तो अब मेरे पास एरर नहीं आएगा. सो लेट्स अपडेट द रिकॉर्ड. सो कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. सो अच्छा ठीक है, तो मैं इसको एक दफ़ा सेव करता हूँ और मुझे एक दफ़ा इसको यहाँ से लोकल इंस्टेंस को बंद करके चलाना पड़ेगा. सो बंद करके मैंने इसको चलाया और यहाँ से आके डोंट सेव करके न्यू विंडो ओपन करते हैं, यही कोड लिखते हैं जो भी हमने अभी लिखा था, इसको सेव करते हैं. कंट्रोल प्लस करके हम जूम इन करते हैं. जूम इन करके अब हम अपनी अपडेट की कमांड लिखने की कोशिश करते हैं. कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो हमारे पास नो डेटाबेस सिलेक्टेड आ गया है. तो सबसे पहले क्योंकि मैंने अगेन चेंज किया है तो मैं यहाँ से जाके सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ. तो यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो हम ये वाली डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ से आगे अब मैं अपडेट की क्यूरी को रन करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. सो नाउ यू कैन सी वी आर नॉट गेटिंग एन एरर. और अब जाके अगर मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ डेमो में से, तो अब आप देखें मेरे पास सब की आईडी 2 हो गई. सो दैट इज़ दी प्रॉब्लम विद दी अपडेट कमांड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग वेयर क्लॉज. तो अगर आप अपडेट के साथ वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ये प्रॉब्लम आती है कि वो सब पूरे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देता है. तो हम तो ये चाहते हैं कि जिसका नाम असद है सिर्फ उसकी आईडी 2 हो, बट यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम आ गई. अब हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन जाकर जो है वो वैल्यूज़ को सेट करना पड़ेगा. जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ पर आकर आईडी हो जाए 3, जहाँ पर वेयर डेमो नेम यानी स्टूडेंट का नेम जो है वो बराबर है अहमद के. तो अब क्या होगा, जब हमने वेयर यूज़ किया है तो सिर्फ वही रिकॉर्ड अपडेट होगा जो हमने वेयर में बोला, यानी जिस जिस का नाम अहमद होगा. अभी भी इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास अहमद बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नेम से अपडेट किया है. जनरली हम जो अपडेशन करते हैं वो आईडीज़ की मदद से करते हैं. तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद अब अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास इसकी आईडी क्या हो गई है, 3 हो गई है अहमद की. और इसी तरीके से मैं अली की आईडी को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अली और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके लिखा 4, कि इसकी आईडी क्या हो जाए, सेट कर दो उसकी आईडी 4 के बराबर, और वो जो जहाँ पर नाम क्या है अली है. तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं. सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अली की आईडी क्या हो गई है, 4 हो गई है. सो नाउ अब हम यहाँ पर चलते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे पास हम अपडेट करना चाहते हैं. सो अब हम क्या करना चाह रहे थे कि हम यहाँ पर आके जैसे कि अहमद की हमने एज पास नहीं की हुई, तो अब हम यहाँ पर आके बोलेंगे कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर सेट कर दो एज को 26 के, जिस वेयर आईडी इक्वल्स टू 3. तो जिसकी आईडी 3 है उसका डेटा क्या कर दो, यहाँ पर आके उसकी एज 26 कर दो. सो इसको हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं. सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये अपडेट रन हो गई है. और यहाँ से मैं आके सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अली अहमद की पहले एज डिफाइन नहीं थी और हमने अब अहमद की एज यहाँ पर डिफाइन कर दी है. अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो मिलती है वो है डिलीट की. सो अब डिलीट की कमांड क्या कहती है कि अगर हमें किसी स्टूडेंट का डेटा या किसी भी टेबल में से कोई रिकॉर्ड को ख़त्म करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड यूज़ होती है डिलीट. तो डिलीट कमांड हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम उसके बाद टेबल का नाम लेट्स से डेमो. और अगर मैं यहाँ से अभी लिखूँगा डिलीट फ्रॉम डेमो, तो मेरे पास तमाम डेटा जो है टेबल में से डिलीट हो जाएगा. तो इसी वजह से अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है कि मुझे किस स्टूडेंट का या किस एम्प्लॉय का डेटा जो है ना वो यहाँ से डिलीट करना है. तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा वेयर लेट्स से आई एम गोइंग टू टाइप वेयर डेमो नेम इक्वल्स टू असद. तो मैं असद का रिकॉर्ड जो है ना यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ. तो इस वजह से मैंने क्या लिखा, वेयर डेमो नेम इक्वल्स टू असद. तो हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं. सो नाउ वी आर नॉट गेटिंग एन एरर. सो अब इसको हम यहाँ से जाके सेलेक्ट करते हैं. सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास असद का डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है. तो अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. इसी तरीके से हमें एक और रिकॉर्ड लेट से डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी, और लेट से नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट अ रिकॉर्ड वेयर आईडी इक्वल्स टू 2. सो हम उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं जिसकी आईडी क्या है, 2 के बराबर है. सो लेट्स रन दिस.
So now you can see we are getting, we have the written a one row affected. So now let's run this command, and now you can see we have only two record left because we have deleted two records. So आप इस तरह से update और delete commands को use कर सकते हैं. इसी तरीके से ड्यूरिंग स्टार्टिंग मैंने आपको एक कमांड स्किप कराई थी, डेट इज़ ट्रंकेट. तो ट्रंकेट की कमांड क्या करती है, अगर हमारे पास टेबल के अंदर रिकॉर्ड है पूरा, ठीक है, और अगर हमें उसको कंप्लीट ख़त्म करना है, यानी सारा डेटा ख़त्म करना है, तो हम वहाँ पे ट्रंकेट की कमांड को यूज़ करते हैं. अब देखें, ट्रंकेट एक क्वेश्चन अराइज होता है कभी कभार इंटरव्यूज़ के अंदर, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रंकेट कमांड एंड दी ड्रॉप कमांड. सो बेसिकली ड्रॉप कमांड क्या करती है, ड्रॉप कमांड आपकी डेटा को भी डिलीट कर, डेटा भी ख़त्म कर देती है टेबल में से, मतलब टेबल डेटा भी ख़त्म करती है और साथ के साथ स्ट्रक्चर भी, यानी पूरा पूरा डेटा भी जाता है और टेबल भी ख़त्म हो जाता है. बट ट्रंकेट कमांड क्या करती है, ट्रंकेट कमांड सिर्फ आपके पास डेटा रिमूव करती है, आपका टेबल खत्म नहीं करती. तो आप किस तरह से लिखते हैं, आप लिख, सो ये हमारे पास पहली वीडियो थी जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स चीज़ों को कवर करने की MySQL की. अब इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, वीडियो में कवर करेंगे कि डिटेल्स में, जिसमें फॉरेन की, इनर ज्वाइन और आपके पास MySQL के फंक्शंस वगैरह, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे. सो इस आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.